जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो भी हम कार्यक्रम संचालित करेंगे उस कार्यक्रम को संचालन के पहले सबसे पहले उनकी इस तस्वीर के सामने हम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखे हैं और उसके लिए सबसे पहले मैं प्राचार्य महोदया से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर उपस्थित हों और डॉक्टर राधाकृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करें। गाना लगाना था ना सरस्वती वंदन था। आप बोल दीजिए थोड़ा सा जी। कौन से चलाना कुछ आ दीजिए इधर हो गया मैम। वो तो नहीं लगा, टीका तो नहीं लगा ना, लगा सकते मेरा हाथ उल्टा लगा, आप लगा दो मेरा हाथ उल्टा पड़ गया। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए इसके पश्चात मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ कक्षा चौथी का एक नन्हा छात्र निखिल पवार, जो यहाँ पर गुरु वंदना लेकर के उपस्थित हुआ है। तो आप इस बच्चे की कविता का आनंद लीजिए, इसकी गुरु वंदना का आनंद लीजिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं निखिल पवार कक्षा चौथी का छात्र हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय मुल्ताई में पढ़ता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु मे नमः। इसका अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान है, शंकर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। थैंक यू। धन्यवाद निखिल, और बहुत अच्छी तरीके से अपने विचारों को आपने यहाँ पर व्यक्त किया है इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। इससे पहले जब स्वतंत्र भारत अपना स्वतंत्र हुआ है, स्वतंत्र होने के बाद सबसे प्रथम ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष का पद भी इन्होंने संभाला। और इनका जो नाम पड़ा, नाम के आगे जो हम जोड़ते हैं सर्वपल्ली, असल में ये सर्वपल्ली इनके गांव का नाम है। जिस सर्वपल्ली ग्राम में इनका जन्म हुआ, इसी कारण से इनके नाम के साथ में हम सर्वपल्ली जोड़ते हैं। जन्म के पश्चात इनके पिता का स्थानांतरण जो हुआ वो तिरुतनी नामक ग्राम में हुआ। तो तिरुतनी ग्राम में आने के बाद में इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो तिरुतनी, ऐसा कई लोग विद्वानों में ये मतभेद रहता है कि तिरुतनी या फिर सर्वपल्ली, लेकिन ये कुल मिलाकर के तय है कि इनके जो नाम में सर्वपल्ली जुड़ा हुआ है ये इनके जन्म स्थान को दिखाता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं यहाँ पर हमारे विद्यालय की शिक्षिका सुश्री रूपाली राय को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वे आएँ और डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन पर
कुछ और प्रकाश डालें। सुप्रभात बच्चों, आदरणीय प्राचार्य, शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपके सामने शिक्षक दिवस का महत्व लेके प्रस्तुत हुई हूँ। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या महत्वता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर वर्ष भारत में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमेशा विद्यालय में तैयारियां होती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार ये सब चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम सब इकट्ठे होकर हम ये कार्यक्रम मना सकें। तो इसीलिए आज हम ऑनलाइन ही ये कार्यक्रम मना रहे हैं। मैं आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। वो हमारे देश के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका जो जन्म था वो 5 सितंबर को हुआ था और लेकिन उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति होने से पहले वे एक शिक्षक थे। उन्होंने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षक होने का बहुत ही अद्भुत कह सकते हैं कि एग्जाम्पल, एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि शिक्षक क्या होता है। वे शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे और इसीलिए जब बात चली कि उनके जन्मदिन को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए, तो उन्होंने ऐसा कहा था अगर उन्हें मनाना ही है तो ये दिवस शिक्षकों के नाम पे शिक्षकों के सम्मान के लिए दिया जाए। इसी कारण से यह दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस दिवस को बहुत अच्छे से मनाइए। आपके जो भी गुरुजन रहे हैं, जो भी शिक्षक रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं है कि वो विद्यालय में ही रहे हों, कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, आप उन्हें ज़रूर ज़रूर धन्यवाद करें और उनको ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी में उनका क्या महत्व है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति से पहले एक शिक्षक थे और उनकी जो पहचान है वो एक शिक्षक के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हैं। और उनके जीवन से जुड़ी एक घटना मुझे याद आ रही है कि जब ये अपना शिक्षकीय जीवन जी रहे थे उस समय काफ़ी विपन्नता थी, काफ़ी गरीबी थी, काफ़ी गरीबी में इन्होंने अपना जीवन जिया है, उसका अनुभव किया है। और इनके परिवार में पत्नी और बच्चों को मिलाकर के कुल 6 सदस्य होते थे। तो एक दिन की घटना ऐसी हुई कि चूँकि ये दक्षिण भारतीय परिवार से संबंध रखते हैं और दक्षिण भारत में आप जानते हैं कि भोजन के लिए केले के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, तो एक दिन की घटना ऐसी हुई कि जब ये भोजन के लिए बैठे उस समय घर में केले के पत्ते नहीं थे और विपन्नता ऐसी कि इनके पास नए केले के पत्ते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो ये इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे कि उस समय धरती को ही बिल्कुल पानी से साफ किया और उसी पर अपना भोजन लेकर के खाने लगे। तो इनमें देखा जाए तो सरलता और सादगी कूट कूट कर भरी हुई थी। कभी भी इन्होंने अपने जीवन में कभी घमंड नहीं किया या कभी किसी चीज़ का इन्होंने दिखावा नहीं किया। और एक शिक्षक यही सिखाता है सभी छात्रों को कि उनके जीवन में उनको बिल्कुल सरल, सच्चा और सीधा बने रहना चाहिए। तो इनके जीवन से हमको सच्चाई की और सादगी की प्रेरणा भी मिलती है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की छात्रा कोमल पवार को लेकर के आया हूँ और वो इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के सामने अपने विचार रखना चाहती हैं। तो स्वागत करते हैं कोमल पवार का। गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स, टुडे वी हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑनलाइन एंड लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल द टीचर्स हु हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड टू टीच अस ऑनलाइन, टेकिंग एजुकेशन टू द नेक्स्ट लेवल। दिस ईयर हैज़ गिवन अस टफ टाइम बट आवर टीचर्स हैज़ श्योरली बिकम अ रे ऑफ होप।
from guiding us to motivating us. This year, our respect for teachers has grown immensely. We know it has been challenging for each one of us, but our teachers has become our lockdown mentor. They supported us throughout and helped us with online tests and classes. In this tough time, I would like to thank all the teachers on behalf of each and every students for your support. Thank you for inspiring us, guiding us, and making us what we are today. Thank you very much and wishing you a very happy Teachers Day. बहुत ही अच्छे विचार कोमल पवार के, और कार्यक्रम को विस्तार देते हुए, इसको गति प्रदान करते हुए, इस कड़ी में मैं अपने विद्यालय की शिक्षिका सुश्री सीमा सिंह छत्री जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो एक शिक्षक का छात्र के जीवन में क्या महत्व होता है, इस विषय पर अपने विचार रखें। तो स्वागत करते हैं सुश्री सीमा सिंह छत्री जी का। धरती कहती अंबर कहते, धरती कहती अंबर कहते, बस यही तराना। गुरु आप ही वह पावन नूर हैं जिनसे रोशन हुआ जमाना, जिनसे रोशन हुआ जमाना। सभी श्रोतागणों को मेरा सुप्रभात। आज मैं शिक्षक दिवस के सुअवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी एवं विद्यार्थी जीवन में शिक्षक की महत्ता पर प्रकाश डालना भी चाहूँगी। बच्चों, जिस तरह जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षक की परम आवश्यकता होती है। शिक्षक के बिना हर विद्यार्थी अधूरा होता है, क्योंकि जिस प्रकार मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए कुम्हार की ज़रूरत होती है, उसी तरह विद्यार्थी को सही मायने में विद्यार्थी बनाने के लिए शिक्षक का होना ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसके गोद में पलते हैं। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज हैं। गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी के इस दोहे को हम सभी जानते हैं। यह पंक्तियाँ जीवन में गुरु के महत्व को वर्णित करने के लिए काफ़ी हैं। जीवन में माता पिता का स्थान तो कोई नहीं ले सकता है, परंतु जिस समाज में हमें रहना है उसके योग्य हमें केवल शिक्षक ही बनाते हैं। समाज के शिल्पकार कहे जाने वाले शिक्षकों का महत्व यहीं समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वह न सिर्फ विद्यार्थियों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, अपितु विद्यार्थियों के सफल जीवन की नींव भी उन्हीं के हाथों में रखी जाती है। अतः विद्यार्थियों को भी यह चाहिए कि न केवल वह शिक्षक दिवस के दिन ही शिक्षकों का सम्मान करें, अपितु उनके लिए यह सम्मान सदा अपने हृदय में बनाए रखें, क्योंकि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। और मैडम के विचारों को सुनकर मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़े गढ़े काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। इसका अर्थ ये है कि गुरु भी बिल्कुल एक कुम्हार की जैसा है। जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को बनाते समय उसकी मजबूती को परखने के लिए भीतर में हाथ रखता है और बाहर से उसको ठोंकता है, ताकि ये पता चले कि वो मजबूत है या नहीं, और जब तक उसको मजबूत घड़ा नहीं मिल जाता तब तक वो उसको इस प्रकार से तैयार करता रहता है। और शिक्षक का भी हमारे जीवन में बिल्कुल यही महत्व है। वो भी एक विद्यार्थी को तब तक टोकते रहते हैं, शिक्षक भी तब तक टोकते रहते हैं, उसको बार बार परखते रहते हैं, जब तक कि वो छात्र एक पक्का घड़ा ना बन जाए, बिल्कुल मजबूत ना हो जाए। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की एक बालिका तनक उच्चसरे को आमंत्रित करता हूँ कि वो शिक्षकों के सम्मान में
उनकी एक नृत्य प्रस्तुति है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आनंद लीजिए इस नृत्य प्रस्तुति का। धन्यवाद। In this very special occasion, I am presenting a dance for all the teachers. आपकी नृत्य प्रस्तुति के लिए बहुत शानदार प्रस्तुति। और इस आज के जो वर्तमान समय में, जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में ये महामारी से लोग ग्रस्त हैं, और इस महामारी में भी एक शिक्षक ही है जो अपने कर्तव्यों का बिल्कुल निष्ठापूर्वक निर्वहन करता आ रहा है। चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, हर जगह पर शिक्षक अपने छात्रों के साथ में खड़ा हुआ है, ताकि छात्र का भविष्य उज्जवल होता रहे और छात्र को किसी प्रकार से इस महामारी से, इस पेंडेमिक से किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। और इसी क्रम में एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर अपने विचार लेकर के आ रहे हैं हमारे विद्यालय के शिक्षिका सुश्री अनुपाल। तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आ करके इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों को प्रस्तुत करें। सुश्री अनुपाल महोदय, धन्यवाद। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड टू माय फेलो टीचर्स। एज वी ऑल नो, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर स्कूल्स इन इंडिया हैव मूव्ड टू ऑनलाइन क्लासरूम्स ड्यू टू दिस आउटब्रेक ऑफ COVID-19। अदरवाइज हु वुड हैव थॉट दैट स्कूलिंग विल टेक प्लेस ऑन स्क्रीन्स रादर देन इन क्लासरूम्स, and hence today we are celebrating Teachers' Day online. The students and teachers are facing a degree of uncertainty with respect to their futures, but teachers are doing all they can and proving to be essential in the fight against COVID-19. At a time when India is under lockdown, online teaching has become the new reality. It came as a boon to the students who otherwise would have lost their valuable time for studies. At all the educational institutions are busy creating online study modules which incorporate subject knowledge, fun games, performing arts, physical education and even counseling. Teachers, students and parents are all grappling with this radical transition from the blackboard to virtual classes. The catchword for all the schools is to offer modules that are engaging, flexible and high on quality. However, this change also came with its fair share of challenges like poor connectivity, users not following instructions,
training of teachers and updating their skills online, and so on. Teaching in this atmosphere have proven to be extremely challenging. Most of us have had to adapt to technology that we weren't familiar with overnight. And as a result, the working hours have increased. Our phones never seem to stop buzzing. Along with being the authority on their subjects, teachers have had to play technology troubleshooters. Students are being kept engaged in different forms of art, be it yoga, meditation, sports, music, or dance classes, but all online. These fun activities, along with their regular curriculum, help take their minds off things troubling them and provide much needed respite. As a teacher today, this difficult situation has taught me to unlearn a lot of things and learn some more. When we teacher meets a student physically, a connection is established and it becomes possible to deal with or clarify any situation immediately. In online classes, however, somewhere the connection gets lost. We teachers truly work hard during school hours, and during lockdown, we are working even harder to make sure that our kids are learning and are engaged. We teachers are facing all the difficulties, but still taking it as a challenge because the future of our kids is at stake. At last, I would like to say, teachers are the next level of COVID warriors fighting for the nation and shaping the future of tomorrow. Thank you so much and wish you all a happy Teachers Day once again. Thank you. धन्यवाद मैडम. इस महामारी के समय में एक शिक्षक की क्या भूमिका है और उस पर शिक्षक किस प्रकार से अमल कर रहे हैं, इस पर आपने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है. और कार्यक्रम की बिल्कुल अंतिम कड़ी में मैं समापन की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो विद्यालय की प्राचार्य महोदया से निवेदन करता हूं कि आज के शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द छात्रों के लिए कहें. तो स्वागत करते हैं प्राचार्य महोदया का. शिक्षक दिवस के अवसर पर इस केंद्रीय विद्यालय मुलताई के सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूं और मैं चाहती हूं कि आप हर समय खुश रहें और अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर रहें. उसके साथ ही हमारे स्कूल के सभी अन्य सदस्य जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया. बच्चों, शिक्षक दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, इस पर हमें विचार करना होगा. क्योंकि शिक्षक दिवस मनाने का यह मतलब नहीं है कि एक दिन टीचर का सम्मान करना या शिक्षक का सम्मान करना. यह हमारा जो शिक्षक पद है या टीचर है, ये महत्वपूर्ण पद है क्योंकि यह देश के नागरिकों का में निर्माण में अपना योगदान देते हैं. अभी कोरोना के समय इतनी आपदा होने के बाद भी शिक्षक ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है, पढ़ाई करवा रहे हैं आपको, लिखाई पढ़ाई, एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, सब क्रियाएं हो रही है. इसका यही जाता है कि देश के निर्माण में शिक्षक का एक महत्वपूर्ण स्थान है. जैसे आपको पता है और टीचरों ने भी आपको बताया कि डॉक्टर राधाकृष्णन का आज जन्मदिन है और जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो एक टीचर थे और टीचर से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद को प्राप्त किया. इसका मीनिंग अर्थ यही जाता है कि शिक्षक में इतनी क्षमता होती है कि वो बिगड़े काम को भी सुधार सकते हैं और अच्छे देश का भविष्य को आगे की ओर ले जा सकते हैं. तो शिक्षक का महत्व बच्चों जीवन में बहुत अधिक है. आपको हर समय जो आपके टीचर है, जो आपको ज्ञान देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, सही गलत बातें बताते हैं, उनका हर समय आप सम्मान करिए. दिखावे के लिए नहीं, मन से आप सम्मान करिए. जो आपको अच्छी बातें बता रहा है, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, और जीवन में भी आपको जो भी व्यक्ति आपको राह दिखाता है, गलत सही की तुलना कराता है और आपको बताता है कि जीवन में ये सही बातें हैं, उसका हर समय आप सम्मान करिए. जिससे क्या होगा, हमारे देश में यदि आप
टीचर का सम्मान करेंगे तो आपकी दीर्घायु बढ़ेगी और आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और साथ साथ में हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है उसमें भी महत्वपूर्ण सुधार होंगे, क्योंकि टीचर एक ऐसा है जो समाज का निर्माण करता है। समाज के निर्माण के साथ साथ में वो लोगों को ज्ञान देता है और ज्ञान हमारे देश के वैज्ञानिक आविष्कार, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास सभी के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम शिक्षित होंगे जभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप केंद्रीय विद्यालय मुलताई के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और आपसे मेरी बहुत अधिक उम्मीद है कि आप ऐसा आपका व्यक्तित्व बने जो आप समाज में अपने माँ बाप का और समाज का नाम उज्जवल भविष्य कर सके। साथ साथ में मैं शिक्षकों को पुनः एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अपने कार्यों की ओर और आगे और नए नए आविष्कार करते हुए नए नए टीचिंग में डेवलपमेंट करते हुए बच्चों के जीवन के साधन के अंतर्गत या जीवन के आगे और अग्रसर करने के लिए उन्हें अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान करें और जिससे बच्चे आपको कभी नहीं भूलें। मैं भी अपने शिक्षक का भी नाम रोशन करिए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। और निश्चित रूप से हम शिक्षक आपके जो भी दिशा निर्देश है उनका हम पालन करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम भी एक ऐसे शिक्षक बने जिसको विद्यार्थी जो है, हमारे जो छात्र हैं, वो आगे भी अपने जीवन में इसी प्रकार से हमको भी स्मरण करते रहें। अंतिम कड़ी में इस आज के कार्यक्रम को, आज के शिक्षक दिवस के इस कार्यक्रम को जो कि हम ऑनलाइन माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, इसके लिए जिन छात्रों ने, जिन शिक्षकों ने, जिन भी सदस्यों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता की है इसको सफल बनाने में, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक लाइक और कमेंट, साथ में आप शेयर भी करिए इस कार्यक्रम को और इसके माध्यम से भी इस कार्यक्रम को आप सफल बनाएं। धन्यवाद।